टर्न एंड लीन। ऐसी गर्मी में आपको रोड साइड ये मिल जाए चिल्ड पानी, एकदम चिल्ड पानी, क्या बोलती पब्लिक। व्यू के मौज लो, व्यू के एकदम, अरे क्या बात है। सो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी का सीन कुछ ऐसा है कि डेट हो रही है 1st of May एंड टाइम है 6:15 AM। तो अब एक दो छुट्टी पड़ रही थी तो मैंने कहा कि थोड़ा लॉन्ग राइड चलते हैं। ये मेरी यूट्यूब जर्नी की ये फर्स्ट लॉन्ग राइड है, पहले तो मैंने बहुत लॉन्ग राइड्स करी हैं, बट हाँ ये यूट्यूब जर्नी की मेरी फर्स्ट लॉन्ग राइड है। और मैं इसमें अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ मेरे पीछे बैठा हुआ है पिलियन ज्ञान, आपको भी मज़ा आएगा देखने में, तो वीडियो में बने रहना। मैंने घर से इसलिए व्लॉगिंग शुरू नहीं करी कि अंधेरा हो रहा था, तो मैंने कहा पहले ज्ञान को पिक कर लेता हूँ बुराड़ी से, और उसके बाद जब निकल जाएंगे तो उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो जगह डिसाइड हुई है कि हम हिमाचल साइड जा रहे हैं, बट जगह को सरप्राइज़ नहीं रखता हूँ, आपको बता देता हूँ कि हम चैल जा रहे हैं। चैल ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कि ट्रैफिक क्यों मिलता है इतना यहाँ पे, एक तो डाइवर्जन इतने करे हुए हैं, रोड्स वगैरह बन रहे हैं, तो उस वजह से। ज्ञान को लेने के बाद बुराड़ी, तो वहाँ तो सुबह भी ट्रैफिक था। तो अभी बॉर्डर क्रॉस कर लिया दिल्ली का, चलो बढ़ते हैं। आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है सुबह से, सुबह तो पहले मैं उठा देखा, मैंने कहा यार ये बारिश वारिश वाला सीन ना हो, लेकिन नहीं ऐसा कोई सीन नहीं था, मैं वेदर भी चेक करा, बट हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। चैल मेरे घर से अप्रॉक्सीमेटली 380-400 के आसपास पड़ता है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, बस 7-8 घंटे तो मान के चल रहा हूँ, कि बीच में हम रुकेंगे भी, थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे, बातें करेंगे, फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे। पानीपत के आसपास पहुंच चुके हैं और 150 किलोमीटर के आसपास राइड कर चुका हूं, तो मैंने कहा चाय ब्रेक हो जाए, और ज्ञान है मेरे साथ, अब ज्ञान से मिलो। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। सूरज वगैरह इतना अभी चढ़ा नहीं है, टाइम के हिसाब से चढ़ जाएगा होपफुली, ऐसा ही मौसम रहे तो बढ़िया मज़ा आएगा। बाइक आज कुछ ऐसी दिख रही है, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, अपना राइट लेफ्ट चलते रहो। ऑटो वाले भाई साहब कैसे करके मानोगे कैसे। भाई क्या हवा चल रही है देखो, ऐसी तहलके वाली हवा चल रही है, एकदम गर्मी नहीं लग रही जरा सी भी, एकदम मस्त मौसम हो रखा है। अपन को तो मज़ा आती, क्या तुमको भी आती? वीडियो देख के भाई की। ओ भाई बड़ा अच्छा सा लगता है जब ये थोड़े थोड़े पहाड़ दिखते हैं ना,
आपको कैमरे में तो नहीं दिख रहे होंगे, बहुत बढ़िया लग रहे हैं, मतलब टर्न एंड लीन, माउंटेन्स अलर्ट ओ भाई फन। मैं डिबिगलर भी इसलिए हटा के आया हूँ क्योंकि पहाड़ों में ये आवाज़ रंबलिंग साउंड है कि अलग ही फील आती है इसकी, और नाम ही चैनल का ऐसा है वन रंबल्स, तो भाई वो साउंड तो चाहिए ही चाहिए यार। ये दो कलर के रोड मुझे ऐसे लग रहे हैं जैसे टीवी में ना क्रैक पड़ गया, एक तरफ कलर आ रहे हैं एक तरफ कलर में यार बढ़िया। GoPro भी डेड होने वाला है तो आई होप चल जाए, देखते हैं कितना चलेगा, पहुंचा देगा हमें डेस्टिनेशन तक या बीच में ही। इसी चीज़ को आप 10 दिन बाद याद करोगे या कुछ टाइम बाद, तो आपको यही चीज़ फिर लगेगी यार जाना है यार, फिर से जाना है। तो इसलिए मोमेंट एकदम एंजॉय करो यार, कुछ टाइम मिलते हैं मोमेंट एंजॉय करने के, एकदम बढ़िया से फील लो, एकदम फील। अरे भाई साहब साइड हम निकल जाए। सोलन 42, शिमला 89। पचास 60 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है, रुक गए थे कि गन्ने का जूस वगैरह पी लेंगे, हाइड्रेशन इज़ मस्ट। हालांकि आज जो मौसम है, आज मौसम बहुत अच्छा था, मतलब गर्मी नहीं थी और बादल में ही सूरज दबा हुआ था, तो उसमें ही हमारा टाइम कट गया। बाकी अभी यहां से हमने मतलब जूस वगैरह पिया, अब निकलते हैं आगे। होटल में बात हो गई थी तो पहले तो डाइसी लग रहा था कि अब यार एंट्री में आपसे चेकिंग वगैरह करते कुछ होता रूल्स वगैरह तो इशू आता, तो इसलिए मैंने पहले बुकिंग नहीं करवाई थी, बट अब बात हो गई। सोलन की मार्केट की सैर करते हुए ओ भाई ऐसी गर्मी में आपको रोड साइड ये मिल जाए चिल्ड पानी, एकदम चिल्ड पानी, क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती व्यू है भाई, व्यू के मौज लो, व्यू के एकदम, अरे क्या बात है, रोड एकदम प्यारा। अभी पीछे फोटोज वगैरह खिंचवाई थी, इंस्टाग्राम तक पे दिख जाएंगे आपको, मेरा इंस्टाग्राम का पेज है वरुण रंबल्स। बारह अप्रॉक्स बज रहे हैं अभी, सही टाइम पे आ गए, 6-7 घंटे तो लगते ही हैं और हम रुके भी इतना है, फोटोज़ खींची ये तो टाइम लग जाता है। इट्स कॉल्ड माउंटेन्स मस्त। ओह कितना प्यारा लग रहा है, छोटा सा ब्रिज, रोड भी अच्छे बनाए हुए हैं यहाँ पे। वो कहते हैं ना जिस चीज़ की तारीफ ज़्यादा कर दो वो चीज़ ही ख़राब हो जाती है, अब क्या हुआ मैं रोड की तारीफ़ कर रहा था कि खाली है एकदम, मतलब अच्छा है ठीक है, इतना ट्रैफिक नहीं है, पीछे अब इतना पतला रोड है, इतना जाम लगा हुआ है पीछे, भाई साहब हमारे आधा पौना घंटा हम जाम में खड़े रहे हैं क्योंकि तो दो बसें फंसी हुई हैं, उसके आगे गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। चल आगे पड़ रहा है और हमारा होटल थोड़ा पीछे है 2-3 किलोमीटर। नज़ारे तो अच्छे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे हैं, अभी थोड़ा माजा वगैरह ब्रेक्स कैसा रहा राइड, बढ़िया मज़ा आया भाई अभी तक तो, बहुत सही एकदम सही, और व्यू और मौसम, व्यू तो अच्छा है भाई, बहुत तगड़ा है भाई, और सबसे मेन चीज़ की मौसम कतई मतलब है ना, हाँ पीछे ऐसा नहीं लग रहा गर्मी है जैसे, ऐसा लग रहा है 10-15-20 टर्न पहले नवंबर का टाइम आता है ना जैसे दिल्ली में हल्का हल्का ठंडा सा, वैसा लग रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ 10-15-20 टर्न पहले थोड़ा धूप थी
हाँ। और उसके बाद है ना जैसे मजा आ रहा है वो रही बाइक वहां खड़ी हुई यहाँ मजा चल रही है। होटल पहुंच चुके हैं और बाइक खड़ी कर दी है मेरी बाइक और ये है होटल इसका नाम है होटल ग्रैंड सनसेट। सुबह 5 बजे करीब निकले थे 5:30-6 बज गए थे निकलते निकलते फिर इसको पिक किया बुराड़ी से फिर उसके बाद रुके खाया पिया बातें करी फोटोज खींची तो टाइम लग जाता है 2:30 बज रहे हैं अभी और सही है अच्छी राइड रही जर्नी रही पता भी नहीं चला क्योंकि मौसम मैं आपको बताते आ रहा हूँ बहुत अच्छा मौसम था रूम भी अच्छा है हमारा अभी व्यू दिखाऊंगा आपको तो जिसने जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना जो बुरा लगा जो अच्छा लगा प्लीज कमेंट करके बताना मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना अपनी फैमिली का थैंक यू। व्यू चेक करें बॉस अच्छा व्यू आ रहा है कितनी जहर व्यू है अभी मिलते हैं अगले व्लॉग में